जी तो आज था संडे, तो मैं कर रही हूँ आज सफाई घर की। और मेरा मतलब था कि मैं सारे वैक्यूम वगैरह जो है वो लगा लूँ आज, क्योंकि फिर बच्चों का स्कूल जो है वो शुरू हो जाता है, तो फिर ना प्रॉपर सफाई जो है वो नहीं होती। तो लिहाजा यहाँ से जो है ऑन करते हैं और सफाई करते हैं शुरू। यहाँ पर भी मैंने बैलून्स जो थे वो आधे इधर लगा दिए और आधे इधर लगा दिए, और बेला भी जो है वो मुझे सफाई करते देख रही है। और अभी तक मैंने बैलून्स नहीं उतारे थे क्योंकि रमज़ान था, तो हमने पहले ही बर्थडे जो थी सुबहान की कर ली थी। वैसे सुबहान की बर्थडे जो है वो 27 मार्च को होती है जी। तो आई थिंक कि वैक्यूम क्लीनर जो है ये आम सफाई से ज़्यादा मुश्किल होता है, इस पे ज़ोर बहुत लगता है। और जी तो यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है, और मेरी बेटी जो है वो मेरी हेल्प करवा रही है, और वो काट रही है यहाँ पर जो है फ्रूट चाट। यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल कर लिया है, और ये रहा चिकन मंदी जो कि आज हमारी बन रही है इफ्तारी में जी। तो यहाँ पर जो है फ्रूट कट हो चुका है, और ये देखें आप कितनी मेहनत की जा रही है। और रमज़ान में जो होता है स्पेशल, हर इंसान का जोश और जज्बा जो है वो उसमें छाया होता है। और सुबहान यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है, और जो मैंने मशीन चलाई थी वो मेरे कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं, तो अब इनको निकालते हैं जी। तो यहाँ पर जो है मैंने चिप्स के लिए आलू काट लिए हैं, और ये मेरे पकोड़े, और ये मेरा कुछ जो था स्टफिंग बची हुई थी समोसा की, तो थोड़े से समोसे बन जाएंगे। तो ये जो था ये आज का मेन्यू यहाँ था पर जो है मैंने क्रीम चाट और जो है दूसरी चटनी वाली चाट दोनों अलग अलग कर ली हैं, तो ये मैं मिक्स कर दिया। अब बस इसमें चटनी और इसमें क्रीम मिक्स कर लूँगी। इधर जो है वो दूध बन रहा है और रूह अफ़ज़ा वाला दूध। ओके ओके पास्ता, इसमें जो है चीनी ऐड करती हूँ। और अपनी चाट में जो है वो मैं ब्राउन शुगर ऐड करूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी करूँगी ये जी। इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पर जी पकोड़े जो हैं वो मेरे तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है मैं मंदी के लिए जो है वो आप देख सकते हैं मसाला तैयार कर रही हूँ। आपको अगर मंदी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, और मैं आपको जो है इसकी फुल रेसिपी दूंगी। अभी तो है जो मैं इफ्तारी के लिए बना रही हूँ, और ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक लेमन है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये जो है ये स्टीम हुआ हुआ है चिकन, और इसका जो यखनी है इसका पानी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जो है मैं आलू के चीज जो है वो फ्राई कर रही हूँ, जो वो है वाइट में सब कुछ डाल दी। आज का मेन्यू जो यही है, चिप्स है, चावल है, और थोड़े से कल के जो पकोड़े थे उसका बैटर था वो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया।
ये जो स्टीम वाली यखनी थी इसमें ऐड करूँगी और पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर जी इसमें पानी डाल के ये जो है रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है चावल शामिल करने हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने चावल ऐड कर दिए हैं इसमें, और ये जो है समोसे भी रखे हैं, चिकन समोसा, और ये जो है ये तैयार है, और यहाँ पर जो स्टीम चिकन था वो भी मेरा तैयार है। ये जो है ये मैं लेके चलती हूँ टेबल पर। ये क्रीम चाट है, जी तो यहाँ पर आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ मैं चिकन मंदी की, और चिकन मंदी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। तो बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आज का ब्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।